जैसे कि आपने देखा पैकर्स और मूवर्स ने सारी चीज़ें उठा के ले लिए और हमारा अभी टाइम हो गया है पुणे मूव होने का। तो ये घर आप देख सकते हैं अभी पूरा खाली है और मुझे ना बड़ा बुरा लग रहा है, दोनों को बुरा लग रहा है, इवन इफ मिनी डुगू को भी बुरा लग रहा है क्योंकि उन दोनों का भी ये पहला घर था हमारा एज ए कपल, ये पहला घर था इसलिए तो बहुत कुछ यादें भी है। हाँ, काफ़ी सारे मेमोरीज है तो वो सारे मेमोरीज हम साथ लेके जा रहे हैं नए मेमोरीज बनाने के लिए, नए घर बनाने के लिए। तो घर तो हम लोगों ने आपको दिखाया और अभी शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ ट्रेन वाला जर्नी। पहली बार हम लोग मिनी डुगू के वजह से फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, थैंक्स टू मिनी एंड डुगू, और उन दोनों की वजह से हम फ्लाइट में नहीं जा पा रहे हैं। अब बोलो तो अच्छा है ना, फ्लाइट में कई बार जा चुके हैं, फर्स्ट एसी में पहली बार जा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो आपके साथ शेयर करते हैं फर्स्ट एसी वाला जर्नी। और अगर आप पेट पेरेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियो तो जरूर देखना चाहिए जी, क्योंकि आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। जी, हम सब शेयर करने वाले हैं कि हमने क्या क्या किया, कौन से प्रोसेस हमने फॉलो किए, तो सब आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए फर्स्ट एसी जर्नी स्टार्ट। सो दोस्तों, ट्रेन में हमारे पेट्स के साथ जाने के लिए हम लोगों ने ये सारे प्रोसेस फॉलो किए। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट एसी का टिकट करवाया। तो फर्स्ट एसी में मैं अपना और मिसेस कुलराय दोनों का टिकट करवाया और आईआरसीटीसी के वेबसाइट में ही हमने टिकट करवाया और प्रेफरेंस में हमने कूपे ही दिया था दोनों का। तो कूपे एक्चुअली दो सीटिंग रहता है। तो फर्स्ट एसी में एक्चुअली टू टाइप्स के सीटिंग्स रहते हैं, एक रहता है टू सीटिंग्स और दूसरा रहता है फोर सीटिंग्स। तो हमने हम एज ए कपल जा रहे थे तो हमें टू सीटिंग से एनफ था, इसलिए हमने कूपे ही सिलेक्ट किया दोनों के लिए। तो सेकंड प्रोसेस जो है, हमने एक लेटर लिखा टू द चीफ कमर्शियल मैनेजर, जो CCM जो रहते हैं रेलवे के हेडक्वार्टर्स में, तो उनको एक लेटर लिखा। वो एक्चुअली आप मतलब 10 दिन से लास्ट के एक दिन पहले तक आप डाल सकते हो, बट वो लेटर मिनिमम 24 आवर्स पहले पहुंचना चाहिए उनको। तो उनको लेटर लिख दिया ताकि क्योंकि मतलब उनको बोलने के लिए कि हम पेट्स के साथ जा रहे हैं और हमें एक कूप मैंडेटरी चाहिए। एक्चुअली वो क्या होता है, एलोकेशन के टाइम पे वो कुछ भी किसी को भी दे देते हैं, तो वो प्रेफरेंस हमारा सक्सेसफुल रहे, हमें कूपे ही मिले, इसलिए हमने वो CCM को एक लेटर लिखा था। और तीसरा जो है वो एक्चुअली बुकिंग के टाइम पे, मतलब सॉरी, जो डिपार्चर का टाइम जो रहता है, डिपार्चर के टाइम से मिनिमम 1.5 आवर्स पहले आपको स्टेशन पहुंचना पड़ेगा पार्सल ऑफिस तक, क्योंकि इन दोनों का भी टिकट करना रहेगा, एक बुकिंग एक करना पड़ता है पेट्स के लिए। तो हाँ, मतलब मिनिमम 1.5 घंटे पहले पार्सल ऑफिस पहुंचना है और पार्सल ऑफिस में जाके बताना है कि हमारे दो पेट या एक पेट या कितने भी पेट हैं, तो उनके बारे में दिखाना है, उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना है, वो ट्रैवल सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना है। तो ये सब दिखाने के बाद उनको मतलब कंफर्म रहता है कि हाँ ये ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों के नाम पे मतलब दोनों हो या एक हो या मतलब कितने पेट हो, सबके नाम का एक पर्ची एक निकालते हैं, एक बुकिंग एक रिसिप्ट एक निकालते हैं। तो वही बुकिंग रिसिप्ट लेटर ऑन TT देखता है। तो ये सारे प्रोसेस ही हैं। तो इसके बाद और कुछ नहीं, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से जाके ट्रेन पे बिठाना है। तो ये तीन स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे पेट्स को लेके ट्रेन में जाने के लिए। सो फाइनली दोस्तों, हम आ गए फर्स्ट क्लास AC में। yes, तो जैसे कि आपने देखा कि इन दोनों का ज्यादा कुछ हमें परेशानी हुआ नहीं। yes. और एक एक करके मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल हम थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, इतना थक गए हम लोग। आप लोगों को मिनी डुगू को दिखाते हैं, चलिए। ये देखिए मिनी को, वो तो सेटल भी हो गई है। यस, मिनी कितना खुश AC में खुश, और डुगू भी इतना खुश। डुगू तो थक क्यों गया है, तूने क्या किया? कुछ नहीं, सारा काम तो हमने किया है। और चल के भी नहीं आया, मैंने उसे गोदी में उठा के लेके आई हूँ, पता है? वही वही वही, मिनी को मैं उठा के लेके आया और हाँ। और डुगू को ये उठा के लेके आई, कुछ काम नहीं किया है, फालतू का नखरा उनका। चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। चलो 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 चलो, ये देखो रात हुई नहीं और साहबजादे का खाना मांगना शुरू, और ये तो खाना चालू भी कर दी। तो हम लोग इनके खाने का इंतजाम क्या क्या किए हैं ये हाँ, देखिए तो ये आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ। मिसेस कुलराय,
मुझे कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। मैंने कितनी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब, रिसर्च किया, हाँ यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी, गूगल चेक किया, किसी में प्रॉपर नहीं है कि आप अगर लॉन्ग जर्नी कर रहे हो तो पेट के लिए खाना क्या लो, उन्हें तो खाना तो चाहिए ना। तो बेसिकली मैंने वो खाना लाया जो ड्राई भी है, हम कैरी भी कर सकते हैं, और वो लोग का पसंदीदा खाना हो, जैसे मुरमुरा हो या फिर पोहा, पेडिग्री, ये सब हम लेके आए हैं फर्स्ट टाइम। तो हम वो डिटेल में आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या हम लेके आए हैं, तो देखेंगे। चलो डिटेल में बताते हैं ये, हम डिटेल में हमारी वीडियो देखिए, आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या क्या खाने में हम लोग लेके आए हैं। यस, तो आप अगर ऐसे लॉन्ग जर्नी कर रहे हो तो पहला आप याद रखना जो उन्हें पसंद है वो लाना, और थोड़ा लाइट फूड लाना जो उनके लिए हेवी ना हो और वो वोमिट ना करे। तो मैं लाई हूँ ये देखिए, ये है वो पोहा है ना, उसको मैंने पाउडर कर, ग्राइंडेड पोहा, हाँ मैंने इसे पाउडर फॉर्म में कर दिया ताकि ये वो थोड़ा थोड़ा इतने से भी अगर खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा, इसीलिए पहला ये है। एंड द सेकेंड वन इज नॉर्मल पोहा ओके। और ये मैं क्या करती हूँ ना, ये सरलाक, थोड़ी सी सरलाक डाल के जब मैं इसको मिला के दे देती हूँ ना, ये दोनों खा लेते हैं, इन दोनों को पसंद है और ये लाइट भी रहेगा इन दोनों के लिए। एंड ये देखिए ये पूरा बकेट फुल ऑफ पेडिग्री, हाँ क्योंकि इन्हें ज्यादा चाहिए होगी और अभी हम उन्हें नॉन वेज नहीं दे सकते, कुछ प्रोटीन सोर्स नहीं है ना, तो ये एक ही है प्रोटीन सोर्स का, तो इसलिए मैं बकेट एकदम पूरा भर के लेके आई हूँ ताकि ये दोनों को, हाँ इन दोनों को पसंद भी है पेडिग्री, लोग आराम से खा लेते हैं। एंड और एक चीज है कि हम सोचे हैं कि यहाँ से कैंटीन से थोड़ा राइस ले आएंगे और वो कर्ड देते हैं, तो कर्ड राइस बना के इन दोनों को खिला देते हैं, बट वो देंगे या नहीं पता नहीं ना, हम श्योर नहीं है, ठीक है, हम मांगेंगे, हम स्टेशन से ले आएंगे, बट ये हमारा एक ऑप्शन है, हाँ ये मेरे पास ऑप्शन है। सोच रही हूँ ये सिर्फ मैं कल के लंच ही दूंगी क्योंकि हम परसों तो सुबह तक पहुँच जाएंगे, हाँ हम परसों सुबह तक पहुँच जाएंगे और इतना इनफ है इन दोनों के लिए, वही तो मैं भी वही बोलूंगी। और मुरमुरा तो आपने दिखाया नहीं, वो मिनी अभी खा रही, अरे हाँ मुरमुरा है ना, ये मिनी का फेवरेट है, हाँ ये मिनी को बहुत पसंद है और ये हेल्दी भी है, कुछ अनहेल्दी नहीं है, यस ये बिल्कुल राइस का काम करेगा उसकी बॉडी में, ये मिनी का फेवरेट है, ये मिनी का फेवरेट है। और इन दोनों का अभी डिनर हो गया है, अभी yes. सो जाएंगे। मिनी ने भर के मुरमुरा खा लिया और डुगू ने भी पेडिग्री खा लिया, तो आज का इनका डिनर खत्म। अरे डुगू को देखो, डुगू ने डायपर पहना है, रे सुसु ना कर दे मेरा, हाँ सुसु ना कर दे, यस क्योंकि वो बकेट फुल ऑफ सुसु करता है, हाँ, और मिनी ने भी तो पहन लिया, हाँ क्योंकि हम हाइजीन पे भी पूरा ध्यान देते हैं, यस क्योंकि मिनी का तो अभी चल रहा है ना, उसका पीरियड चल रहा है, इसलिए वो अभी हिट में है, तो वो उसे तो हम डायपर वैसे भी पहना, यस इसको भी पहना दिया क्योंकि ये बच्चा है ना, इसको पता नहीं चलता वो कहाँ पे सुसु करेगा, वही मैंने उसे पहना दिया। और उनके लिए यस और कुछ प्रिकॉशन भी मैं बता देती हूँ, आप अगर लॉन्ग जर्नी कर रहे हो पहले तो उनकी प्लेट वगैरह तो लाना है, एक बोतल लेके आइए ये पानी के लिए ना, हाँ और टिश्यूज लेके आइए और स्पेशली वाइप्स जरूर लाना, यस और इसको छोड़ के हमने ये भी लाए, ये तो रूम फ्रेशनर है, क्योंकि वो अगर सुसुपटी कर भी देते तो थोड़ा स्मेल तो करेगा, इसलिए हम, हाँ तो रूम फ्रेशनर तो चाहिए ही, हाँ क्योंकि लॉन्ग जर्नी और मैं कोई कंप्लेन नहीं चाहती कि आपके बच्चे ने ये कर दिया वो कर दिया, वही और हाँ उनके लिए थोड़ा ट्रीट भी लेके आए, ये देखो उनका ट्रीट, वो अगर अच्छा काम करते हैं तो हम उनको ट्रीट देते हैं, ये मालदीव्स मिनी से, अब मिनी अभी से एक्साइटेड हो गई, मम्मी ने ट्रीट बोला, अरे वो उसे स्मेल होने लगा ना ट्रीट, वही मम्मी ने ट्रीट बोला, ट्रीट ट्रीट ट्रीट, हाँ तो इतने चीजों को आप प्लीज ध्यान में रखिए, उनके लिए खेलने के लिए कोई चीज ले आए, जैसे हम लोगों ने ये बॉल लाई हूँ और ये उनके हड्डी उनका टाइम पास के लिए, हाँ ये सब भी मैं लेके आई हूँ, और दो तीन खिलौने भी मतलब बास्केट के अंदर है, मैं अभी निकाल लूंगी, तो ये है हमारा रात का स्टेटस, अभी चल रहे हैं सोने, डिनर नहीं करना, अरे हमको डिनर करना है, हाँ राइट हमें डिनर करना है, चलो हम डिनर करके, हम भी एकदम हाइजीन वाला घर वाला खाना खा रहे हैं, यस डिनर करके सोने, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह मिलते हैं मिनी डुगू, सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और पहली बार मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ फर्स्ट क्लास एसी में, मैं जनरली ट्रेन में सोता नहीं हूँ बट फर्स्ट क्लास एसी में मुझे बहुत अच्छे से नींद आई, और हमें देखो हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, यस और मिनी बाहर का नजारा एंजॉय कर रही है, डुगू भी ट्राई कर रहा है एंजॉय करने का, छोटू सा है ना, डुगू आ जाओ, अच्छा डुगू को भी दिखाओ ना, अच्छा
चाहता है आने के लिए। यस yes. और डुगु मिनी भी बहुत अच्छे से सोए ना। हाँ बहुत अच्छे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उनको। मिनी का मिनी अच्छा, मिनी अच्छा अच्छा। एक्चुअली डॉग्स का नेचर ही है ना, वो बाहर थोड़ा देख के एंजॉय करेंगे। ये देखो, तो अभी तक फिलहाल फर्स्ट एसी का जर्नी हमारे लिए और मिनी डुगु के लिए तो अच्छा ही रहा। देखते हैं आगे का जर्नी कैसा जाता है। और मिसेस कोलराय को भूख लगना शुरू हो गया, अभी खाना चाहिए उनको। अभी अभी खाई है, आधा घंटा पहले ही खाई है कुछ, फिर भी उनको भूख लगी है। ट्रेन में उनका कुछ ज्यादा ही एनर्जी लॉस होता है उनका। सो के एनर्जी लॉस होता है उनका। तो कुछ टाइम के लिए हम उनको बाहर भी लेके आ गए। बीच बीच में उनको लेके आना चाहिए बाहर, ताकि वो बाहर का नज़ारा देख सके, खेल सके बेसिकली। ये देखिए कैसे अच्छे से खेल रही हैं दोनों। मेरे साथ भी खेल रहे थे, मिसेस कुर्रा के साथ भी खेल रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा टाइम पास करना शुरू कर दिए उनके साथ। टाइम पास कैसे, ये देखिए, बीच बीच में मैं बाहर आ जाता था और बीच बीच में मिसेस कुर्रा बाहर आ जाती थी। तो उनको डराते थे हम लोग, और वो लोग भी डर डर के बुला रहे थे हमको, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो दोस्तों अभी दोपहर का टाइम है और लंच का टाइम है, मतलब लंच हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। और मिनी डोगों के लिए स्पेशली हमने राइस और कर्ड ले आए, जो हम रेगुलरली खाते हैं ना, हमने जहाँ से ऑर्डर किया था वहीं से ही हम थोड़ा राइस और कर्ड ऑर्डर कर लिए थे, तो उनको भी वही दे दिया। हम लोगों ने क्या खाया, बिरयानी। यस, फर्स्ट एशिया को ज़्यादा ही अच्छा सर्विस रहता है, तो बिरयानी भी एकदम यम वाला था। मिसेस कुलराय तो एकदम फिदा हो गए। रुकिए आपको मिसेस कुलराय को दिखाता हूँ। और मिसेस कुलराय एकदम पेट भर खा के बैठे हुए हैं, अपना टमी फुल करके फोन चला रही है। ये दोनों देखिए, दो बच्चे सो गए। यस, राइस कर्ड भी थोड़ा दबा के खा लिए दोनों और सो रहे हैं। मजा आ रहा है इनको फर्स्ट एसी में। चलो अब से हमारा फर्स्ट एसी ही कंपलसरी हो गया इन दोनों के वजह से। जिधर भी ट्रैवल करना है फर्स्ट एसी में ही ट्रैवल करना है, क्यों? Yes. आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट एसी? Awesome ना? सर्विस बहुत अच्छी है। हाँ, क्लीन भी वो लोग ही कर रहे हैं, मतलब हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। हाँ, अगर बाय चांस अगर इन दोनों में से कोई पॉटी या सुसु अगर कर लेता है, तो बिना किसी मतलब टेंशन के उनको बोल देते हैं और वो आके साफ कर लेते हैं। सो दोस्तों ये अभी शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम खा के हम लोग पूरा सो गए थे। हाँ। और शाम का टाइम है, देखिए मिसेस कुलराय बोर हो रही है, तो ये क्या नौटंकी चल रहा है इनका। मैं सच में बोर हो रही हूँ, वो बोर हो रही है। एक्चुअली फर्स्ट क्लास एसी में ना पूरा प्राइवेट है, ठीक है? तो मिसेस कुलराय मतलब मुझे तो मजा आ रहा है क्योंकि मुझे प्राइवेसी चाहिए। मिसेस कुलराय को बोर लग रहा है बेड पे पड़े पड़े बोर हो गए। हाँ, क्योंकि वो एक ही जगह पे पड़ी है ना, और ये लोग तो सो ही रहे हैं। मिनी डुगु एक्चुअली वो भी बोर हो चुके हैं एक जगह पे बैठे, उनको उनको एक्चुअली मन हो रहा है बाहर खेलने का, बट ये दोनों भी बैठ बैठ के सो गए। देखो 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 क्या कर रही है पगली। अब जाके थोड़ा सा एक्टिव हुए, ये देखो बॉल निकाला और थोड़ा सा एक्टिव हुए ये दोनों मिसेस कुलराय के साथ, नहीं तो तीनों बोर होके सो रहे थे। मिनी दे इसी को प्रोटेक्ट कर दो, से बॉल नहीं पड़ी जीरो प्रोटेक्ट कर दो। ओए ओए बॉल लाओ, खेलना है तो मिनी खेलना है तो बॉल लाओ, नहीं हाथ नहीं बॉल दो, बॉल दो। अच्छा ले ये दूसरा बॉल है रे। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए पुणे, और शाम के बाद से रात का हमने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि मिसेस कुलराय का तबीयत थोड़ा खराब हो गया था। एक्चुअली डेढ़ दिन तक एसी में ट्रैवल किया ना, उनको थोड़ा सर्दी हो गया था, तो रिकॉर्डिंग कुछ कर नहीं पाए। और ये दोनों बच्चे भी पूरा सो रहे थे, शाम तक सोए पूरा सुबह तक, और इधर भी आके सो रहे हैं जैसे कि जंग लड़के आए हैं ये दोनों। आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखिए ये अभी भी सोया हुआ है और वो भी सोई हुई है, जैसे कि जंग जीत गया है ना। और हम लोग भी थक गए पूरा ट्रेन जर्नी कर करके, अभी तो आके पहुंचे हैं। जी हाँ, अभी आके पहुंचे हैं एकदम टायर्ड, और हम भी चले सोने। हाँ। थोड़ा सोना पड़ेगा क्योंकि मैं ट्रेन में इतना सोया नहीं हूँ, मिसेस कुल रहा है फिर भी थोड़ा सोई हुई है, सो के भी तबीयत खराब हो गए फिर से सोई, और ये तीनों तो पूरा सोए हैं।
इसलिए मैं पूरा टायर्ड हो चुका हूँ, मैं भी चला सोने। और हमको कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा मिनी और डोगो का एक्सपीरियंस, उनका फर्स्ट ट्रेन एक्सपीरियंस। और हमारा ट्रेन एक्सपीरियंस तो था ही, बट उनके वजह से हमारा फर्स्ट एसी का एक्सपीरियंस भी हो गया। मुझे बड़ा मजा आया। तबीयत खराब हो गया तुम्हारा? मजा आया? तबीयत तो थोड़ी सी खराब हो गई थी, पर फिर भी मजा तो आया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। yes. और आगे के वीडियो देखने के लिए वो बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर दें। yes. तो अगले व्लॉग तक बाय बाय, टेक केयर।